अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अब भी डिफ़िकल्टी आ रही है कि किस तरीके से कोड फिजिकल बनाया जाए, तो ये सेपरेटली उनके रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाई है। आप सोच रहे होंगे कि कोड फिजिकल किस तरीके से बनाया जाता है और ये किस तरीके से हमें इशू होता है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कहीं नहीं जाएगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा क्योंकि ये खास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। कोड फिजिकल से रिलेटेड बेहद एक छोटी सी बात बताता चलूँ, ये बेहद मैंडेटरी होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और स्कॉलरशिप के लिए भी जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की, जब मैंने एप्लीकेशन प्रोसीजर बनाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोड फिजिकल कैसे जनरेट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से मिस हो गया। तो चलें, खैर कोई मसला नहीं है, आप लोगों की क्यूरीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं मौजूद हूँ। इसके साथ साथ बताता चलूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ कमेंट्स का रिप्लाई करने में और इंस्टाग्राम पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी जो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, मेरे लेफ्ट लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर अभी तक फ्रैक्चर है। तो आई एम सॉरी, मैं जल्द से जल्द आप लोगों की क्यूरीज़ को रिजॉल्व करूँगा और कहीं नहीं जाएगा, ये वीडियो खुद देखिएगा, खास तौर पर ये आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको जरूर। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। तो गाइस वेलकम बैक, बहुत ही आसान तरीके का है, प्लीज एंड तक जरूर देखिए। कोड फिजिकल जनरेट करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर लिखना है कोड फिजिकल जनरेटर, फिर उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आएगा आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आ रही होती है, इसके अंदर कह रहे हैं कि लास्ट नेम फर्स्ट नेम, उसके बाद आ रहा है आपका बर्थ डेट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ओनली मेल सेलेक्ट किया हुआ उन्होंने, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ या फिर फॉरेन स्टेट, ठीक है। लास्ट नेम आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अहमद कमाल, ठीक है। तो कमाल जो होगा उसमें लास्ट नेम हमारे पास हो गया, अहमद हमारे पास आ गया फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद आपकी डेट, डे, मंथ और फिर ईयर ऑफ बर्थ। इसके साथ साथ अब आप अपने जनरेट या फिर प्लेस ऑफ बर्थ आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिए, या फिर अगर आप मिसाल के तौर पर कराची या फिर आपकी कोई भी अपनी सिटी, और फिर उसके बाद, या फिर अगर आप ये भी ऐड नहीं करना चाह रहे तो सिंपली आप पाकिस्तान ऐड कर दीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम मनमावन चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। तो गाइस मैंने अपनी तमाम क्रेडेंशियल्स यहाँ पर ऐड कर दी हैं, अब मैं क्या करूँगा, जनरेट सीएफ पर क्लिक करूँगा। जनरेट सीएफ करने के बाद देखिए मेरे सामने एक इनकी तरफ से इशू किया हुआ मेरे पास टेक्स्ट कोड आ गया है। ये टेक्स्ट कोड हम एज ए रेफरेंस के तौर पर डालते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन करने के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट कोड बनाया करें। और सेव कैसे करना है, आप सिंपली यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करके भी उसको सेव कर सकते हैं किसी स्टिकी नोट में, या फिर आप वर्ड की फ़ाइल के अंदर आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे ईमेल किसी को करना है, मतलब अपने आप को अगर मुझे करना है सेफ साइट पर रहने के लिए, तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपनी ईमेल ऐड कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं ईमेल ऐड करूँगा हमें इनकी तरफ से इशू हुआ टेक्स्ट कोड ज़रूर मिल जाएगा। जब मैं कोड फिजिकल सेंड करूँगा ना, तो फिर मेरे सामने अपने ईमेल के ऊपर, तो मेरे सामने ये इस तरह का मैसेज आएगा। मैसेज में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर मेरा अपना नेम होगा, यहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ आ रही होगी, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, और कोड फिजिकल जनरेट हुआ हुआ यहाँ पर मेरे सामने आ रहा होगा। ये बहुत ही ईजी तरीके का है। अगर आप देखना चाहते हैं अपना जनरेट होगा कोड फिजिकल, तो लिंक टू व्यू कोड इज फिजिकल उस पर क्लिक कीजिए, वो आपके सामने शो हो जाएगा। इसके साथ साथ बताता चलूँ ये केस सेंसिटिव होता है, तो ज़रा एहतियात से उसको मेंशन कीजिए। और कभी कभार यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो कोड फिजिकल मांगती हैं और कभी कभार नहीं मांगती, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीक़ेकार बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो मेहरबानी फरमाकर ज़रा इन चीज़ों का ख्याल कीजिए, और अगर आपको कोई मसला हो तो आप रीच कीजिए, उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कोड फिजिकल जनरेट होने में ये मसला हो रहा है, और मुझे भी कर सकते हैं, खैर कोई मसला नहीं है। तो भाइयों ये था सारे का सारा आज के दिन का, और इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। जब तक अपने आप दोस्त को इजाज़त दीजिए, साइन आउट, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स।